नमस्कार। वेस्टी वेस्टी के उस पार की श्रृंखला में आज आपको मिलवाऊंगी एक बहुत छोटे से बच्चे से, पर काम इनके काफ़ी बड़े बड़े हैं एनवायरनमेंट के लिए। बेचारा बच्चा बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आप सभी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, पर चूंकि मेरे पास कुछ वीडियोज पहले के पड़े थे और जो वीडियो पहले आया तो फिर मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती कि उस वीडियो को मैं पहले दिखाऊँ, पर आज मौका मिला इस बच्चे की क्रिएटिविटी आप तक पहुँचाने का। ये देखिए, कुछ मिट्टी का पॉट लग रहा है और बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने इस पे पेंटिंग करी है, कुछ मिरर्स या कुछ लगा के इसको डेकोरेट किया है। और इसमें जो डोरी लगी है ना, वो मुझे बहुत मजबूत लग रही है जिसपे ये पॉट अपना लटक रहा है। हालांकि इनको मैंने बोला था कि ये डोरी बना के आप सभी लोगों को सिखाएं, पर अभी इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी नहीं बना सकते थे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इनसे मैं बाद में बनवा के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इधर एक और खूबसूरत सा अपना मटका, और इसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने डेकोरेट कर रखा है ना। और ये झूलता हुआ सा बड़ा क्यूट क्यूट सा लग रहा है। तो सब कुछ इन्होंने अपने घर में ही जुगाड़ करके किया हुआ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। इधर कुछ एक मोर का कटआउट सा भी मुझे दिख रहा है, और एक और ये हैंगिंग इन्हीं की हाथ की बनाई हुई अपनी हैंगिंग डोरी में। तो सब छोटी छोटी चीज़ें जब आप इन्वायरमेंट के नज़रिए से करते हैं ना, तो सब कुछ बेहद खूबसूरत लगता है। चलिए, अब जीवेंद्र प्रताप खुद आए हैं आपसे बात करने, तो आप देखिए आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम जीवेंद्र प्रताप है और मैं अयोध्या से हूँ, और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, और प्लस मैं इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। जैसे कि मैंने इको ब्रिक्स बनाई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात ये है कि कुछ बड़ा करने के लिए सबका सपोर्ट चाहिए होता है, सबका तो नहीं मतलब कुछ लोग का तो चाहिए ही होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और आपके जो भी आइडियाज़ हों या मेरे आइडियाज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बहुत लोग की हेल्प चाहिए होती है, तो आप लोग प्लीज़ हमें मेरी हेल्प कीजिए, थैंक यू। और यहाँ देखिए, ये अपने जीवन प्रताप अपने इको ब्रिक्स बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये इको ब्रिक्स कई तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पेट्स हैं ना, पेट्स का आपको घर बनाना है, तो इन बोतलों से आप बहुत बेहतरीन सा इनका घर बना सकते हैं अपने पेट्स के लिए। और भी अलग अलग तरीके से अपने गार्डन के लिए स्टूल बना सकते हैं, चेयर जैसा बना सकते हैं, बैठने के लिए अपना मुड्ढा बना सकते हैं, कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दवाइयों के खाली रैपर्स, इनको भी इन्होंने खूबसूरत बना दिया। यानी कि सब कुछ अपना बेकार चीज़ों में ही क्रिएटिविटी भर के और पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही है ना। जो उम्र बच्चों के खेलने की होती है, उस उम्र में अगर बच्चे पर्यावरण के लिए सोचने लग जाएं, तो फिर थोड़ा तो हौसला अफजाई बनती ही है इन बच्चों की। और इधर भी कुछ बॉटल जैसी मुझे दिख रही है, बॉटल पर कुछ डेकोरेट किया है, और ऊपर यहाँ पर शिवलिंग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ बॉटल पे डेकोरेशन करके और शिवलिंग शायद ऊपर लगा दिए, और एक ये कुछ नारियल से शायद इन्होंने बनाए हुए हैं, और इधर कुछ डिब्बे में भी इन्होंने कुछ प्लांट्स लगा दिए। यानी कि सब कुछ अपनी बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को बचाने की एक छोटी सी कोशिश। हाँ, बहुत कुछ तो आपको इनके गार्डन पे नहीं मिलेगा, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे कदम से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक हौसला अफजाई इन बच्चों की ज़रूर बनती है। क्योंकि किसी का हौसला बढ़ाने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, उल्टा करने वालों को एक प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है। तो बस इस बच्चे की तारीफ़ करें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं, और बच्चे को प्रेरित करें कि हाँ बेटा, जो एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, आगे भी हमेशा अपने एनवायरनमेंट के लिए सजग रहना, सतर्क रहना, और अगलों को भी प्रेरित करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस छोटे से बच्चे की कलाकारी ज़रूर पसंद करेंगे। देखिए, जूता मिला जूते में ही लगा दिया, और बस अब चलने को हो गया वक्त। बाकी और भी जो मेरे भाई बहन इस तरह की हिस्सेदारी के इच्छुक हैं, तो वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है, सब कुछ आपको पता है। गूगल ड्राइव से वीडियो भेज सकते हैं, अपना टेलीग्राम से भेज सकते हैं, या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जीवन प्रताप को भी हौसला ज़रूर दीजिएगा।